क्लास 8 चैप्टर नंबर 5। जब से नेमा ने बोलना सीखा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि निर्देशन ने अपनी पहली फिल्म जो भारत की बनी थी उस फिल्म का नाम आलम आरा था। सेकंड लेक्चर में आगे पढ़ेंगे फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती थी। जो फिल्म की जो शूटिंग थी वो अधिकतर मूक युग की अधिकतर फिल्मों दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, लेकिन आलम आरा की शूटिंग ज़्यादातर रात को ही करनी की। इसमें इस फिल्म में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी, यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। आलम आरा ने भविष्य के कई पोस्टर और तकनीशियन को तो दिए हैं, तकनीशियन तो दिए ही। अर्तेशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। करीब करीब 150 से अधिक मूक और लगभग 100 से सवाक फिल्में बनाई थी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। फिल्म आलम आरा अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया था। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुवेदा थी। इस फिल्म की जो नायिका थी उसका नाम जुवेदा था और जो नायक थे वो बिट्ठल, उनका नाम था बिट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक अधिक मेहनताना, जो मेहनताना जिन लेते हैं उनको कहते हैं पारिश्रमिक, पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। बिट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। जो बिट्ठल जो थे उस फिल्म के नायक जो थे उनको फिल्म में उर्दू बोलने में बहुत मुश्किलें आती थी, उन्हें उर्दू बोलना नहीं आता था। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। बिट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। एक फिल्म में लगे नायक को उर्दू न बोलने पर उन्हें हटाया गया, उनकी जगह पर महबूब को नायक बना दिया गया। उस दौर के में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। उन्होंने नाराज़ होकर जो मुकदमा किया अपना हक पाने के लिए, तो उनका जो केस था, उनका जो मुकदमा था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। तो तब के मशहूर वकील थे वो, इतने फेमस उस समय के प्रसिद्ध एक वकील हुआ करते थे। बिट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। अब वो बिट्ठल जी थे जो उस फिल्म के नायक बने, क्योंकि वो मुकदमा जीत जाने के बाद उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, उन्होंने अपना किरदार निभाया। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे और जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
फिल्म उद्योग के सब आगे चलकर वो स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च सन 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। ये जो फिल्म थी ये 14 मार्च 1931 में एक मैजेस्टिक सिनेमा था उसमें प्रदर्शित हुई। फिल्म आठ सप्ताह तक हाउसफुल यानी कि और कोई सीट नहीं थी, हाउसफुल जाती रही, चलती रही। इतनी भीड़ इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ती रही कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो गया हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। समीक्षक जो थे उन्होंने इस फिल्म को भड़कीली फैंटेसी फिल्म को करार दिया, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फीट लंबी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। ये फिल्म थी बेटा आलमारा, जो 10,000 फीट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत करने के बाद इस फिल्म को 4 महीने के बाद तैयार किया गया था। ये सन 1431 में मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।